हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एके व्लॉग्स। आज मैं आपको अपनी अरबी की सब्जी बनाना चाहती हूँ। मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। हमने करीब 1.5 किलो अरबी ली है। ये 4 लोगों के लिए काफ़ी रहेगी। वैसे तो अरबी की सब्जी सभी बनाते हैं, पर आज मैं कुछ आपको स्पेशल तरीके से बनाना बताऊँगी। आप देखिए, पहले हम इसे चाकू की सहायता से इसको छील देते हैं। देखिए कितनी सफ़ेद सफ़ेद अरबी हैं, बहुत बढ़िया अरबी ली है छाट छाट के। और अब इसको छील छील के इसको सही रख लेते हैं। कच्ची अरबी को ही छील लेंगे हम, कच्ची अरबी को ही छील छील के रख लेते हैं। यह अरबी हमारी छील के तैयार। इसे हमने छीलने वाले चक्कू से ना छील के हमने इसे खुरच खुरच के छीला है, जिससे कि हमारी अरबी ज़्यादा टेस्ट ना जाए। छिलके के साथ चली जाती हैं इसके छीलने के लिए। अगर हम दूसरे नाइफ की सहायता से छीलेंगे तो हमारे छिलके में ही सारी चली जाएगी। इसलिए हमने इसे खुरच खुरच कर छीला है, जिससे हमारा ज़्यादा कुछ मटेरियल वेस्ट ना जाए। आप देख सकते हैं ये अरबी सब छील चुकी हैं। ज़्यादा बारीक ना काट के मोटे मोटे टुकड़ों में इसे काट। ये हमने कच्ची अरबी ली है और उबली भी अरबी ना लेके हमने ये कच्ची कच्ची अरबी ली है। इसका ये फ़ायदा होता है, इसमें ज़्यादा लेस नहीं आती। अगर हम पका के अरबी, उबाल के अरबी हम इसको बनाएंगे रेशे वाले, जिसमें लेस बहुत आ जाता है, और कच्ची अरबी बनाने से इसमें लेस कम रहता है। इसलिए हम कच्ची अरबी बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको हम ज़्यादा बारीक बारीक टुकड़ों में ना काट के मोटे मोटे टुकड़ों में काट देना है। आप देख सकते हैं ये सब अरबियाँ कट चुकी हैं। अब हम इसको बनाने के लिए जाएंगे। देखिए, अब ये मसाले हमने निकाल लिए हैं। ये हमारा बेसन है, मिर्च है, ये हल्दी है, ये हमारा खटाई है, ये धनिया है, ये अजवाइन है, और ये गरम मसाला है, ये हमारा नमक है। अब हम आइए अब सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। आप देखिए, इसमें हम सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें बेसन डाला है, और हाफ हमारे यहाँ मिर्च कुछ कम खाई जाती है, तो हमने इतनी सी मिर्च ली है, 1/4 चम्मच मिर्च ली है, और 1/2 चम्मच हल्दी ली है, 1 टीस्पून धनिया लिया है, 1/2 स्पून खटाई ली है, और हमने थोड़ा सा गरम मसाला दिया। नमक हम इसमें बाद में डालेंगे। अब आप देखिए, इसको हम यहाँ रख लेते हैं और हम अपनी गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन करके हम इसमें 1/2 चम्मच करीब तेल डालेंगे। हम सब चीज़ें मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, जिससे कि खाने का स्वाद अच्छा बन रहे। थोड़ा ही तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें 1 स्पून अजवाइन डाल देंगे, 1 स्पून अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन जब हमारी अजवाइन तक जाएगी, अजवाइन हमारी देखिए अजवाइन हमारी भुन चुकी है। इसमें हम अब इस मसाले को जो बेसन के साथ मिलाया था, इसे डाल के हम अच्छे से भून लेते हैं। बेसन हमने इसलिए डाला है इसमें सब्जी में, थोड़ा सा पानी डाल के जिससे मसाला हमारा जले नहीं। थोड़ा सा और डाल देते हैं जिससे कि हमारा मसाला जले नहीं। बेसन हमने इसमें इसलिए डाला है जिससे हमारी अरबी कम पानी अलग ना हो। सामान्यतः
ज़्यादातर लोगों का अरबी का पानी अलग हो जाता है, अरबी अलग रह जाती है। बेसन डाल के डालने से अरबी पानी नहीं छोड़ती, सब्जी पानी नहीं छोड़ती, और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं, खूब अच्छे से भून लेते हैं। बेसन के साथ हमारा बेसन भी भून गया और हमारा मसाला भी भून जाता है, हमारे दोनों काम हो गए। अब हम गैस को देखिए, आप इसने छोड़ दिया है कुकर का तली, मसाले ने गैस को सिम करके अब इसमें हम ये सब अरबियों को डाल देते हैं, अरबी डाल के चला देते हैं अच्छे से। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, खूब अच्छे से चला लेते हैं। इसमें हमने बारीक हरी मिर्च, दो हरी मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी वो भी हम डाल देते हैं। अब ये मसाला भुन चुका है, अरबी इसमें मिल चुकी हैं, इसमें हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए आप पानी की रेशो देखिए, हम इसमें इतना पानी डाल के करिए। अब हमने नमक नहीं डाला, अभी हम इसमें नमक डाल देंगे। हमें करीब अरबी के हिसाब से 1 चम्मच नमक काफ़ी रहता है। देखिए आपका सामान हमारा एक साथ मसाले भुन डल के भुन चुके हैं, जिससे हम बार बार मसाले डालेंगे तो हमारा घी में जलने का डर रहता है, बेसन जल जाएगा, कभी मिर्च जल जाएंगी, इसलिए हम एक साथ सब मसाले डाल के थोड़े चमचे को धो लेते हैं तो हमारा सब पानी चला जाएगा। और इस कुकर को हम बंद कर देते हैं, बंद करके हम अपनी फ्लेम तेज कर देते हैं, एक दो सीटी आने के बाद इसे हम खोलेंगे। फ्रेंड्स अब हमारी सीटी ये खुल चुकी है और ये कुकर ठंडा हो चुका है। अब देखिए आप इसे, ये करीब करीब ऐसी टूट है, इसमें हम थोड़ी सी अरबी इसकी फोड़ लेंगे, आधे से भी कम, और बाकी अरबी को हम अपना साबुत रहेंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट अरबी बन चुकी है हमारी। इसे हम अपने डोंगे में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। आप देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह की बन गई है, आप देख सकते हैं ये इस तरह की अभी बन के तैयार हो गई है। देखिए आप फ्रेंड्स, इसमें हमने हरा धनिया नहीं डाला है क्योंकि हमें इसमें अजवाइन का ही टेस्ट चाहिए, तो हरे धनिया का टेस्ट इसमें आ जाएगा तो टेस्ट हमारा अरबी का ख़राब हो जाएगा। आप इसे पसंद करें, खाएं, बनाएं और अपने घर वालों को सबको खिलाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हैप्पी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।